पता है बच्चों, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस? 20 मार्क्स के। और अगर फिफ्थ और सिक्स चैप्टर सीख लेंगे तो सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी से इन फॉर्मूलों से स्टार्ट करेंगे आज हम फिफ्थ चैप्टर की स्टार्टिंग अच्छे से। और देखिए, ये फॉर्मूले आपने वैसे भी पहले काफ़ी टाइम पढ़ रखे होंगे, इलेवंथ में भी और ट्वेल्थ में भी। नहीं भी पढ़ रखे तो सारी टेंशन को जाने दीजिए भाड़ में और यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, अगर आप ये कर लेंगे ना, सिर्फ इतनी चीज़ याद कर लेंगे आज, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा और कोई भी नंबर नहीं कटेगा कैलकुलस में। जो 44 मार्क्स बोले जाते हैं ना कैलकुलस में, उसकी स्टार्टिंग यहीं से है। तो मेरी बात मान के आज प्लीज़ लिख लो यार, कॉपी पेन पे आते हो तो भी लिख लो, नहीं आते हो तो ज़रूर लिख लो, ठीक है? क्योंकि यहीं से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों की आज से। हम जो हम कहते हैं ना कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन कठिन होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन कठिन होता है, कुछ कठिन नहीं लगेगा, बस इतना कर लो, इसके बाद तो बाकी सब मैं देख लूँगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला और रूल्स, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके बाद मैं रूल्स बताता हूँ। रूल फॉर्मूले में देखिए कुछ नहीं है, 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और 6 ये इजी से लॉगरिथम वाले और एलजेब्रिक वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्या फॉर्मूले होते हैं? डी ओवर डी एक्स का मतलब सबको पता होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। नहीं पता तो टेंशन मत लेना, बस याद करो अभी इन्हें जल्दी से। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्री वाले। अब इनको समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन क्या होगा? एक नंबर होगा। नंबर का मतलब देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल भी बना दिए मैंने। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का क्या है? इसे एन को आगे ले आइए, इसे एन को क्या करिए? आगे ले आइए और एक पावर कम कर दीजिए चुपचाप से जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। समझ गए? नहीं समझे तो इन एग्जाम्पल को देखिए। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स है, जीरा एक्स है, और ये एन का एन कितना है यहाँ पर? टू है, हाँ है ना? तो टू आगे आ जाएगा, समझ रहे हैं? ये टू क्या हो गया? आगे आ गया ऐसे, जैसे यहाँ पर ये आ गया, और एक्स की पावर क्या हो गई? टू में से एक कम हो गई, तो टू माइनस वन वन ही तो होता है, तो वन को लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए टू एक्स लिख देते हैं डायरेक्ट। एक और देख लीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस थ्री का क्या हो जाएगा? माइनस थ्री आगे आ जाएगा, और माइनस थ्री में से एक कम कर देंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, तो यही तो आएगा, माइनस थ्री आगे आ गया और एक्स की पावर माइनस फोर आ गया। डी ओवर डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे करते हैं? बिल्कुल ईजी है, एक्स स्क्वायर को ऊपर अगर हम ले जाएँ, ये बच्चों वाले मेथड से, तो ये ऊपर माइनस टू ही तो हो जाएगा, फिर माइनस टू आगे आ गया और एक पावर कम हो गई तो माइनस थ्री आ जाएगा, हाँ यार समझ गए ना? माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री पावर। डी ओवर डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स को हम डायरेक्ट क्या लिखा करेंगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ, देखिए करते कैसे हैं इसको, पहले एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन आएगा, ठीक है? फिर माइनस वन आगे आ जाएगा तो कुछ इसी तरीके से तो आएगा, माइनस वन आगे आया, फिर माइनस वन में से माइनस वन गए तो ये कितना आया? माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, तो माइनस तो ये रहा वन, और एक्स की पावर माइनस टू को आप नीचे लिख सकते हो ना दोबारा से, तो नीचे प्लस टू में ही तो आएगा, समझ गए या नहीं? तो ईजी है ना एक्स की पावर एन वाला, ये समझ ही गए होगे कि पावर आगे आनी है और एक पावर कम कर देनी है। इसके बाद आता है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई भी नंबर आएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 कुछ भी आएगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ टू क्या है? कॉन्स्टेंट नंबर, डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई क्या होता है? कॉन्स्टेंट नंबर 22/7, आंसर क्या होगा? जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह इसी जैसा यूज़ करना होता है। डी ओवर डी एक्स ऑफ के एक्स, के एक्स का मल्टी मतलब क्या होता है? के कोई नंबर होगा, नंबर 1, 2, 3, 4 माइनस में कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ के रह जाता है, मतलब ये वाली वैल्यू रह जाती है। एग्जाम्पल डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x में देखिए, ये के की तरह काम कर रहा है, हाँ या ना? तो ये के एक्स ही तो हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ अगर यहाँ पर 10x होता तो आंसर क्या आता? सिर्फ 10 आ जाता। समझ गए या नहीं? लिखना आपका काम है, लिखते रहिए। डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर लॉग एक्स यहाँ बेस ई आएगा, लॉग एक्स आए बेस ई आए, अगर लॉग एक्स आए बेस नहीं लिखा जाए तो हमें ई मानना है। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, अगर लॉग एक्स आए बेस नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो हमें ई मानना है, समझ गए? अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा है तो हमें ई मानना है, तब वन अपॉन एक्स आएगा, ठीक है? अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आए और बेस ए बोला जाए, ए बेस अगर बोला जाए, ए का मतलब एक नंबर होता है, ठीक है? ए अगर बोला जा रहा है तो यहाँ पर वन अपॉन एक्स लॉग ए आ जाएगा। ए का मतलब अगर यहाँ पर कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ पर आपको लॉग 3 कर देना है, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पर आपको लॉग 4 कर देना है, समझ गए? अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको ये मानना है, और अगर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ लिखा हुआ है तो आपको ऐसा कर देना है, ठीक है? डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कहीं भी लिखा आएगा, सीधा ई की पावर एक्स करना है, याद ही नहीं करना है इसमें, तो जो यहाँ है वो यहीं आएगा।
डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स यही वाला नंबर लिखना है, फिर लॉग ए लिख देना है, मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ ए कोई नंबर होगा यहाँ पर, जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ टू की पावर एक्स क्या हो गया, टू की पावर एक्स लॉग टू। आई होप आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हो, लिख ली हो। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्या डी ओवर डी एक्स ऑफ इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है भैया, इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर दिक्कत कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स लिखा है सिर्फ, एक्स तो सीधा वन कर देना है, अगर यहाँ एक्स की जगह वाई हो जाए और यहाँ भी एक्स की जगह वाई हो जाए, मतलब डी ओवर डी वाई ऑफ वाई, तो अभी आपको क्या कर देना है, वन कर देना है, समझ गए। तो इसको तो नहीं भूलना। देखिए बच्चों छह इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं इनवर्स के, जिसमें से चार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दो को नहीं भी याद करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इन चारों को याद करना है, और इन चारों में से भी आप दो याद कर लोगे तो बाकी दो याद हो जाएंगे। कैसे, ये इनवर्स के हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स का अगर याद है तो कॉस इनवर्स एक्स में बस आपको यही इसी चीज़ में माइनस लगा देना है, समझ रहे हो, दिख रहा होगा अच्छे से कि साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर टेन याद है तो यहीं पर ही आप अगर माइनस लगा दोगे इसी फॉर्मूले में तो ये कॉट इनवर्स एक्स का हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स का भी ऐसे ही होता है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब साइन वाले में अगर एक्स और लगा दो यहाँ, ठीक है, और इसको थोड़ा उल्टा कर दो, देखो यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये याद हो जाएगा आपको। अगर आपको सेक याद है तो कोसेक में आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। कम से कम इसको इसको तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर साइन का याद है कॉस याद हो जाएगा, टेन का याद है कॉट याद हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में क्योंकि इस पर हम आगे बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है।